हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए क्या होगा अगर धमाकेदारों को भी कैमरे लूट के हिसाब से हम लोग आपको 200 रुपये आपके पेट्रोल पर इंसेंस आपके उन्होंने रिसीव हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, स्टेप मैं बताता हूँ आपको, ना स्टेप ना फॉलो करना है। तो देखो आपको कैमरे लूट का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर कैसे क्लिक करोगे आपको देखो कंप्यूटर ऐसे ना ओपन किया जाएगा। आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा एंटर योर पेटीएम नंबर, आपको यहाँ पर अपना पेटीएम नंबर डाल देना होगा। फिर इसे आपको सबमिट का बटन दिख रहा है ना, सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। कैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे आपको प्ले स्टोर पर भेज देगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप बाजू में एप्लीकेशन दिख रहा ना, ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा, कर लेना होगा। मैं मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लिया। फिर यहाँ पर फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कोड डालने के बोलेगा। तो देखो ये कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा ना, ये सेम टू सेम कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये कोड आपको कैपिटल लूट में भी मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर ना डाल देना होगा, फिर अप्लाई पर ना क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पर कैसे क्लिक कर दोगे, फिर नेक्स्ट के मतलब आपको क्लिक कर देना होगा। वहाँ पर आपको 6 डिजिट का कोड डालने के लिए बोलेगा, मतलब कि आपको क्रिएट करना होगा 6 डिजिट का कोड। तो क्रिएट करके फिर दूसरी बार भी आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, कंफर्म कर लेना। फिर आपको यहाँ पान कार्ड का ना फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो आपको पान कार्ड का नाम सुन के घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना होगा। वहाँ पर आपको अपना पान कार्ड का फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट और लास्ट नेम मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, उसके बाद में आपको पान कार्ड का नंबर मिल जाएगा। आपको फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ना पान कार्ड का नंबर भी पूछेगा। तो पान कार्ड का नंबर आपको ना नाम के बाजू में मिल जाएगा, वो नंबर डाल देना होगा। उसके बाद आपको ना नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बर्थडे डेट डालने के लिए बोलेगा। तो आपने रैंडम से कोई भी बर्थडे डाल सकते हो, 50 साल के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सबसे लास्ट में आपको ना जिप कोड पूछेगा, मतलब कि आपका एरिया का पिन कोड, वो आपको डाल देना होगा। फिर नेक्स्ट पर कैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर सामने सक्सेसफुल हो चुका होगा। फिर मैं पेट्रोल खोल के देखा ना, तो यहाँ पर मेरे को है ना 200 रुपये रिसीव हो चुका था, वो भी कैम्बी लूट की तरफ से। अब मेरे को ये पेमेंट है ना 5 मिनट में मिल गया था पेटीएम वॉलेट में।